नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 15। चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम पांच बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण भारत के 3 राज्यों में चुनावी रैली और जनसभा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जानकारी दी कि पीएम मोदी आज तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। ये दौरा लोकसभा चुनावों को लेकर है। पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पहले वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को न्याय दिलाएंगे, उसके बाद उनके बयानों पर टिप्पणी करना अब बेकार है। रूस के राष्ट्रपति पद के लिए रविवार को संपन्न हुए एक तरफा चुनाव के शुरुआती रुझान के अनुसार सत्ता पर करीब 25 साल के काबिज राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 88% वोट मिले हैं। बस्तर द नक्सल स्टोरी के रिलीज के 3 दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर पैकअप होता हुआ नजर आ रहा है। फिल्म वीकेंड पर ही मुट्ठी भर कमाई कर पाई है। WPL 2024 सीजन के फाइनल में बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। WPL के दूसरे सीजन के इस फाइनल में बेंगलोर ने जबरदस्त वापसी करते हुए दिल्ली को शिक्षा दी है और फ्रेंचाइजी के इतिहास में पहला खिताब जीत लिया। तो ये थी आज की तमाम पांच बड़ी खबरें। इसी के साथ देखते रहिए द न्यूज 15।